लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान का अध्याय 2, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि ये मित्र है या शत्रु है। अब देखो, सूक्ष्म जीव मित्र भी होते हैं और शत्रु भी होते हैं। कई जगहों पे हमें देखने को मिलता है कि सूक्ष्म जीवों के कारण बहुत सारी बीमारियां हो जा रही है और कई चीजों पर हमारे खाद्य पदार्थ के लिए काम आते हैं। और सूक्ष्म जीव होता क्या है, जो जीव हम सिंपल अपनी नंग नाखों से नहीं देख सकते उन्हें कहते हैं सूक्ष्म जीव। उन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं उन्हें देखने के लिए सूक्ष्म जीवों को। बाकी जीवों को तो हम नंग नाखों से ऐसे सिंपली देख सकते हैं कि कौन सा जीव है, कौन सा जानवर है या कौन सा पौधा है, लेकिन सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। ऐसा सिंपल देखना चाहो तो नहीं देखा जा सकता। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। देखो ये कौन कौन से वर्ग हैं, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। देखो ये 4 मुख्य हैं, ठीक है। इन चारों के अंदर बहुत सारे डिवीजन बढ़ते जाते हैं, अलग अलग तरीके के आते जाते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी और भी कई कई तरीके के जीवों के बारे में हम पढ़ते जाएंगे। एक होता है वायरस, विषाणु। ये जो वायरस होता है, इसकी खास बात यह है कि ये जीवित रूप में अकेले नहीं रहता। ये किसी जीव के अंदर जाके तभी जीवित होता है, तभी अपने अपनी संख्या बढ़ाता है। जैसे कि इस टाइम चल रहा है ना कोरोना वायरस, ये वही वायरस है, उसी के फैमिली का वायरस है। ये जीवों के अंदर ही अपनी अपने आप को बढ़ाता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है और लोगों को बीमार करता है। ये जो 4 भागों में बांटा गया था जीवाणु को, उसका पहला जीवाणु देखो ऐसे ऐसे देखते हैं, स्पाइरल जीवाणु, ये रेड रेड पिंक पिंक से जो है, ठीक है। छड़नुमा जीवाणु, छड़नुमा का मतलब होता है जो स्टिक होते हैं ना, छड़ ऐसे सीधी सीधी छड़, उसको बोलता है छड़नुमा जीवाणु, ठीक है, वो ये है। इसके बाद शैवाल, देखो ये शैवाल है। स्पाइरो गायरा, ये सब शैवाल है। इन सब के नाम थोड़े डिफिकल्ट हैं, इंग्लिश में ज़्यादा सही रहता है। प्रोटोजोआ के अंदर ये अमीबा, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, इसके बारे में तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे आप। अमीबा एक कोश के जीव होता है। और पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। इसके बाद कवक, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्पर जीलस, ये जो है ये कवक हैं। विषाणु वायरस, ये होता है वायरस, देखा होगा टीवी पे भी आपने, ये कोरोना वायरस की फैमिली का ही वायरस है। ये अलग प्रकार के वायरस होते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं, ऐसा नहीं एक ही वायरस होते हैं, कई प्रकार के वायरस होते हैं विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, अब सूक्ष्म जीव का कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोश के हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। ये सब सूक्ष्म जीव एक कोश के, अपना भोजन कुछ खुद बनाते हैं, लेकिन विषाणु जो होते हैं दूसरों के अंदर, दूसरों के ऊपर जीवित रहते हैं, ठीक है। जैसे कि अमीबा के बारे में पढ़ रखा है हमने कि कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हानिकारक, हानिकारक क्या, बहुत हानिकारक हो जाते हैं, ठीक है, ये हमें को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। मित्रवत सूक्ष्म जीव, देखो मित्रवत क्या होते हैं, प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में क्या जाता रहा है। अल्कोहल का मतलब शराब बनाने के लिए, जब भी किसी चीज को गेहूं को, फलों को, इन सब को सड़ा करके, ठीक है, उनसे क्या बनाया जाता है, अल्कोहल। और दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए भी हम इन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। दही बनाने के लिए जब दूध में हम थोड़ी सी दही डाल देते हैं तो क्या होता है, पूरी पूरी दही तैयार हो जाती है। वो जीवाणु इतनी तेजी से गुणन करते हैं, इतने सारे हो जाते हैं कि पूरा पूरा दूध दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट डालते हैं, फिर वो तैयार हो जाता है, ब्रेड बन जाता है, फूल जाता है, वो उसके अंदर ईस्ट आ जाता है। और कई सारी दवाइयों के लिए भी, औषधियों के लिए भी बनाया जाता है ईस्ट का, इनका उपयोग करा जाता है जीवाणु कई सारी दवाइयों के लिए, प्रतिजैविक बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दही एवं ब्रेड का बनना, ये जीवाणु की ही मदद से बनाया जाता है दही और ब्रेड, बिना जीवाणु के इसे बनाना आसान नहीं है। ये देखिए, जो देखो ये इस पाउडर के साथ मैदा, इस मैदे को सान दिया, ठीक है, इसको गूंद लिया गया, ये इतना है। फिर थोड़े समय के बाद इसमें खमीर,
मतलब कि ईस्ट आ जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब इसको हम तलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर जो ईस्ट होता है वो CO2 निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे क्या होता है जो छोले भटूरे होते हैं इसके जो भी चीज़ बनाओगे वो फूल जाता है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्य उपयोग, वाणिज्य का मतलब बिजनेस के लिए उपयोग। अब सूक्ष्म जीव जैसा कि हमने पढ़ा था कि मित्र हैं या शत्रु हैं, ठीक है, कि इसका वाणिज्य उपयोग, अब इसको इससे हम कैसे अपना वाणिज्य बिजनेस कर सकते हैं। देखो बड़े स्तर पर अल्कोहल शराब ये सब बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कीड़ों का उपयोग करते हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, किसी भी फल को या अनाजों को जब उनको उनके अंदर कीड़े लगते हैं यही सूक्ष्म जीवों उनको अपघटित करते हैं, तो उससे क्या होता है शराब उत्पन्न होती है, उसको हम क्या करते हैं अपने व्यवसाय के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फॉर्मेटेशन कहलाता है, ठीक है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की, ठीक है, लुई पाश्चर ने। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग, अब सूक्ष्म जीवों का औषधि मतलब दवाइयों के लिए कैसे उपयोग किया गया, यह है एंटीबायोटिक, ठीक है, इंग्लिश शब्द एंटीबायोटिक, हिंदी में प्रतिजैविक, ये ज़्यादा आसान है याद रखना एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक क्या होता है, जब हमारे शरीर के ऊपर सूक्ष्म जीवों के लक्षण दिखाई देते हैं या बीमार होते हैं, जब हमारे शरीर के अंदर सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है और हमारे शरीर के अंदर प्रतिजैविक मतलब कि जो उन सूक्ष्म जीवों के असर को खत्म करे वो खत्म हो जाते हैं, तो क्या हम इस दवाई का यूज करते हैं, दवाइयाँ दी जाती है एंटीबायोटिक, जो कि इन सबको, इन सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर से नष्ट कर देती है, ठीक है। वैक्सीन होता क्या, वैक्सीन हिंदी में टीका, इंग्लिश में वैक्सीन, जो इंजेक्शन होता है ना उसी को वैक्सीन बोला जाता है, किसी भी दवाई का टीका, ठीक है। वैक्सीन जो बच्चों को लगता है ना, छोटे होते हैं जब बच्चे, तो उनको कई प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, ये भी होते हैं वैक्सीन। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, मतलब कोई भी वायरस हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसे प्रतिजैविक होते हैं जो कि उनको खत्म करते हैं, उनके ऊपर आक्रमण करके उनको खत्म करते हैं प्रतिरक्षी, तो उन्हीं को बढ़ाने के लिए, उन्हीं का उपयोग, उन्हीं की संख्या बढ़ाने के लिए हमें वैक्सीन लगाए जाते हैं, टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। बच्चों के ऊपर ज़्यादा असरकारी होते हैं इसीलिए इनका टीका लगाया जाता है, जैसे कि हैजा होता है, छह, चेचक, इन सब के अब वैक्सीन आने लगे हैं, वैक्सीन लगा देते हैं और ये ठीक हो जाते हैं, ये भी सूक्ष्म जीवों से ही होता है। पोलियो, पोलियो के बारे में तो सब जानते होंगे, पोलियो क्या करता है, ये छोटे बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर करता है, ये शरीर का कोई एक भाग होता है, किसी भाग को भी ये डैमेज कर देता है, कमज़ोर बना देता है, ठीक है। तो इससे हमें बचने के लिए पोलियो का वैक्सीन होता है जो दो बूंद पिलाई जाती है, और टीका ही होता है, वैक्सीन होता है वो पिलाई जाती है दो बूंद, उसको इंजेक्शन के द्वारा नहीं लगाया जाता, उनको डायरेक्ट पिला दिया जाता है दो दो बूंद, जो बहुत सारा प्रचार देखा होगा टीवी पे, और इंडिया से ये पूरी तरह ख़त्म हो चुका है, पोलियो का वायरस जो है इंडिया से ख़त्म हो चुका है, फिर भी इसको, इसका दोबारा से हमला ना हो जाए तो इसीलिए ये बंद नहीं किया गया, सबको पिलाया जाता है, छोटे बच्चों को ये दो बूंद पिलाई जाती है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब कि चेचक एक था कि मतलब शरीर के ऊपर धब्बे धब्बे से आ जाते थे, दाने दाने आ जाते थे, अब चेचक के ऊपर एक वैक्सीन बन गया है जिससे अब सारे, ये बीमारी मतलब पहले बहुत समस्या थी लेकिन अब ये ठीक हो चुकी है, इसका वैक्सीन तैयार हो गया। कोई भी अगर वायरस का या सूक्ष्म जीवों से नई बीमारियां उत्पन्न होती है, अगर उसका वैक्सीन है हमारे पास तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, अगर उनका वैक्सीन नहीं है हमारे पास, उसका कोई इलाज नहीं है, तो ज़्यादा समस्या बड़ी हो जाती है। मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, यही सूक्ष्म कण, ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी की उपज बढ़ाने में हमारी सहायता करते हैं, बहुत अच्छी पैदावार करने के लिए हमारे को सहायता करते हैं, और इनसे क्या होता है कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की क्षमता बढ़ी रहती है, जब तक मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा रहेगी तो उर्वरक खाद हमें डालने की आवश्यकता कम पड़ेगी, जितने ज़्यादा ये जीव हमारे मिट्टी में उत्पन्न होंगे उतने ज़्यादा ये अच्छी पैदावार करेंगे। ये दो होते हैं नाइट्रोजन स्त्री कारक साइनोबैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वही है एक के दोनों, इसको जूम करके दिखाया गया, इसी को जूम करके दिखाया गया, ये क्या करते हैं, ये वायुमंडल से ऑक्सीजन लेके और नाइट्रोजन लेके उसको मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं, बदल देते हैं मिट्टी के अंदर। अब पर्यावरण का शुद्धिकरण, अब पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं,
बैक्टीरिया से जो ये सूक्ष्म जीव हैं ये पर्यावरण को कैसे शुद्ध करते हैं। देखिए कोई भी जैसे कि मान ले हो कोई भी पर्यावरण से निकला हुआ अपघटित पदार्थ, जैसे कि मान लो फल सब्जी के छिलके होते हैं, गोबर हो गया, ठीक है, ये सब, इन सबको क्या करते हैं, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इनको अपघटित करके इनको वापस मृदा में, खाद में बदल देते हैं। जैसे कि मान लो कोई गड्ढा खोदो, उसके अंदर बहुत सारा यही अपशी कूड़ा कवाड़ा जो होता है, लेकिन प्राकृतिक रूप वाला होना चाहिए, प्लास्टिक प्लास्टिक नहीं, वो उसके अंदर होगा डिकम्पोज, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके अंदर हम, जैसे कि पत्तियां, टहनियां और गोबर, ठीक है, और जो भी कृषि का अपशिष्ट पदार्थ होगा वो सभी डाल दो, और फिर बाद में इसको मिट्टी डाल दो ऊपर से, वो कुछ दिनों बाद अपने आप सारा अपघटित होकर खाद तैयार हो जाएगी, वो जो जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पर्यावरण के अंदर से जो गंदगी थी वो खत्म कर दी इन्होंने। हानिकारक सूक्ष्म जीव, रोगाणु, रोगाणु वो होते हैं जो हमें, वो वाले सूक्ष्म जीव, ठीक है, जो हमारे रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं, जो रोग फैलाते हैं, ठीक है, ये हवा से भी फैल जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर वो छींक रहा है, ठीक है, तो छींक रहा है तो उसे रुमाल रखना चाहिए, या खांस रहा है तो मुंह पे हाथ रखना चाहिए। तो क्या करते हैं, अगर छींकते हैं, रुमाल नहीं रखते, उन्होंने छींका तो हवा के अंदर, वायु के अंदर कई सारे कण आ जाते हैं, वायरस आ जाता है, फिर उससे क्या होता है, दूसरे को भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। टीबी भी इसी तरीके से फैलती है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, देखो कई सारे सूक्ष्म जीव है जो मनुष्य के अंदर बीमारियां फैला देते हैं, ठीक है, रोग वाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ज्यादातर बीमारियां जो फैलती है बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर देखा गया है, तो वह है मक्खियों के कारण, जो घरेलू मक्खी होती है, ये गंदगी के ऊपर बैठती है, फिर वहां से खाने के ऊपर बैठ जाते हैं, तो इनके जो पैरों में गंदगी लगती है, ठीक है, वो कहाँ आ जाती है, फिर खानों पे, और फिर उसको क्या करते हैं, जो जंतु होते हैं उन्हें खा लेते हैं, जीव खा लेते हैं उसे, मनुष्य खा लेते हैं, फिर उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं, ठीक है। ये जो मच्छर है, ठीक है, ये मादा एनाफ्लीज मच्छर है, ठीक है, मादा नर और मादा, तो ये मादा है, इसके काटने से डेंगू हो जाता है, ठीक है, इसके काटने से ही डेंगू मलेरिया जो बीमारियां होती है ना, डेंगू मलेरिया ये इसी मच्छर के काटने से होती है। अगर इस मच्छर आपको काटता है तो मतलब आपको डेंगू मलेरिया होने के खतरे ज्यादा हैं, ठीक है। और ये कुछ दे रखे हैं वायरस, किस वायरस से कैसे बीमारियां होती है, ठीक है, क्या इलाज है उनका। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अब जंतुओं में कैसे कैसे होता है, उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। वो देखो एक होता है बर्ड फ्लू, वो होता है पक्षियों में होता है बर्ड फ्लू। अगर कोई मान लो कि है ना मुर्गी है, उसको बर्ड फ्लू रखा है और वो पता नहीं है, ठीक है, तो उसको अगर कोई खा लेता है, कोई इंसान खा लेता है, कोई जंतु खा लेता है उसे, तो वो उसकी बीमारी उस इंसान के अंदर पहुंच जाती है, क्योंकि वो बीमार था, उससे वो भी बीमार हो जाता है। तो एक व्यक्ति एक जंतु से दूसरे जंतु में बीमारी ट्रांसफर हो जाती है। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, देखो पौधे लगाते हैं तो उसके ऊपर प्रतिजैविक उसके ऊपर डालते हैं ना, पॉइजन दवाई डालते हैं उसके ऊपर, ताकि क्या हो जाए, उनसे कीड़े मर जाए, पौधों के ऊपर कीड़े खत्म हो जाए, उससे क्या होती है, फसल अच्छी हो जाए, नहीं तो सारे कीड़े खा जाते हैं, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे नींबू, नींबू में केकर जीवाणु और ये संचरण का तरीका वायु से ही अपने आप आ जाते हैं ये, ठीक है। गेहूं की रस्ट, कवक, वायु एवं बीज, कुछ तो बीजों के अंदर से होता है, बीज ही खराब होते हैं, बीजों में ही खराबी होती है, तो पौधा तो खराब होगा ही। खाद विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, देखो फूड पॉइजनिंग जो होता है, जब कोई भी खाने की चीज खराब हो जाती है तो क्या कहलाता है, वो फूड पॉइजनिंग, उसके अंदर कुछ विषैले चीज उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कोई खाना है, ठीक है, एक दिन बाद देखते हो उसको, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर उसमें स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है, क्या हो जाता है, वो खाना खराब हो जाता है, उसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो हम खा लेंगे तो क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे हम, ठीक है, हमें नुकसान पहुंचाएगा, उसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो गया। मान लो कि जैसे कोई फल आप लेके आए बाजार से, ठीक है, मान लो कि आम लेके आ गए, ठीक है, बाद में क्या हुआ, उसको 3-4 दिन में वो खराब हो जाएगा अगर खाओगे नहीं तो, ठीक है, लेकिन उसी आम का अगर अचार है, वो तो कई 6-6 महीने, 8-8 महीने, सालों भर रहता, वो खराब नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर तेल की परत चढ़ी होती है, जिससे कि हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही देखो चिप्स के पैकेट होते हैं, 6-6 महीने हो जाते हैं, उस पर लिखा रहता है 6 महीने तक के लिए होता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद में हम उसे खाते हैं, ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन उस पर भी एक्सपायरी डेट होती है,
शायद 6 महीने तक की होती है, ठीक है, वो पैक्ड रहते हैं क्योंकि उसमें हवा नहीं लगती, तो वो खराब नहीं होते हैं। खाद्य परिरक्षण, देखो इसके अंदर क्या होता है कि हमें खाद्य को पहचानना होता है, खाद्य मतलब खाने का परिरक्षण, इसके अंदर की क्या परीक्षण करना है, उसके अंदर खाने के अंदर क्या परीक्षण करेंगे कि खाना खाने लायक है, सही है, खराब हो गया है, कि उसके रंग में परिवर्तन है, उसके अंदर कुछ और है, ठीक है। कईयों में दुर्गंध आती है, दूर से दुर्गंध आती है, क्या उसे खाते हैं, नहीं खाते ना, जब बदबू आने लग जाती। तो रासायनिक उपाय, नमक एवं खाद तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों को वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, आता है, इसे परिरक्षक कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। देखो परिरक्षक मतलब जिसके उपयोग करके हम किसी चीज को बचा लेते हैं, उसको खराब होने से बचा लेते हैं, ठीक है, नमक का, चीनी का, ठीक है, और कई स्थानों पे हम तेल, सिरके, इन सब से क्या करते हैं, परिरक्षण करते हैं, ठीक है, रोकते हैं किसी चीज को खराब होने से, रोकते हैं। और कुछ स्थानों पे जैसे कि दूध होता है, दूध को अगर ऐसे सिंपल बाहर रख देंगे तो खराब हो जाएगा, लेकिन उसे गर्म करके रखेंगे तो थोड़े लॉन्ग टाइम तक के लिए वो खराब नहीं होगा, फटेगा नहीं दूध, ठीक है। कई सारी चीजों को पैकिंग करके रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। अब आता है नाइट्रोजन स्थिरांक। देखो नाइट्रोजन क्या है, हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैस है सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है 78%, ठीक है। इसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर थोड़ा सा जो बता अन्य गैस, ठीक है, 21% आता है, 21% हमारा ऑक्सीजन है, और जो 1% बचा है उसमें जल वाष्प और अन्य गैस है। तो नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन चक्र के अंदर होता है कि जो वायु के अंदर उपस्थित जो हवा है, वो वायु के अंदर उपस्थित जो भी नाइट्रोजन है वो किस तरीके से मिट्टी में जाती है, मिट्टी से पौधे लेते हैं, फिर पौधे से वो वापिस हवा में, फिर यही चक्र क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। जो जीवाणु थे, ठीक है, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव, वो क्या करते थे, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को लेते थे और फिर वो उसको मिट्टी के अंदर अपघटित उसको छोड़ देते थे, ठीक है, वो मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाते थे, फिर मिट्टी से पौधे खींचते थे उसे, फिर पौधे से फिर वो वापस वायुमंडल में आ जाती है। तो ये चक्र है, ये चलता रहता है, ठीक है। अगर कोई प्रश्न हो या कुछ छूट गया हो